हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पता करेंगे कि हमारे आधार से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। दोस्तों, बहुत से केसेस में ये होता है कि लोग अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर चेंज करते रहते हैं। ऐसे में वो भूल जाते हैं जब कोई ऑनलाइन प्रोसेस होता है, या नया आधार कार्ड अपडेट करवाना होता है, या नया आधार कार्ड वो डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में जो है OTP उनके मोबाइल नंबर पे जाता है और इस टाइम वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आता है कि वो कौन सा मोबाइल नंबर वो रजिस्ट्रेशन के टाइम, आधार रजिस्ट्रेशन के टाइम में उन्होंने दिया होता है। तो ऐसे में आज की दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की समस्या आ रही है तो ये पोस्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आपको आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट कराना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, या अपॉइंटमेंट लेना है, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी चीजें आपको करनी है, तो आप प्लीज हमारे वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके वहां से सारी वीडियो देख के आप सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद हम गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन करने के बाद हम सिंपली उस पर लिखेंगे आधार, और आधार लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो जो पहला लिंक आ रहा है UIDAI.gov.in, इस लिंक पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो आधार की जो वेबसाइट है वो ओपन होके आपके स्क्रीन पे आएगी, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप जाएंगे माई आधार पे, जैसा कि मेरा कर्सर देख रहे हैं माई आधार पे है। और माई आधार पे जाने के बाद वहाँ पे आप सिंपली जाएंगे आधार सर्विसेज में, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो कर्सर है माई सर्विसेज पे रोल कर रहा है। उसके बाद माई सर्विसेज पे जाने के बाद वेरीफाई एंड आधार नंबर वाला जो लिंक है उसके नीचे, वहाँ वेरीफाई एंड आधार नंबर पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम वेरीफाई एंड आधार नंबर पे क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज ओपन होता है, और यहाँ पे दोस्तों हमें अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। दोस्तों, आधार नंबर और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम प्रोसीड टू वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन होगा, और यहाँ पे हमें दोस्तों पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आधार नंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, आधार नंबर एग्जिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एज बॉन्ड क्या है, जब 20 से 30 के बीच में है, जेंडर क्या है आपका यहाँ पे दिखाएगा, स्टेट जो है आपका दिखाएगा, और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे, मोबाइल नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा नंबर आपने, आपका जो आधार से लिंक है, यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर की जगह पे यहाँ पे ब्लैंक देगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं देगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपका जो आधार है वो किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या किसी भी तरह का अपडेट कराना है आपके आधार पे तो आप हमारे वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं, और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, या जेंडर हो गया, ये सब डिटेल्स आप इजीली वहां से अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे दूसरा नंबर आधार वेरीफाई करना होगा तो यहाँ पे सिंपली आप वेरीफाई अनदर आधार पे क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपका आधार नंबर लिंक नहीं है वो आपको कैसे यहाँ पे लिखेगा, तो वो दिखाता हूँ आपको वहाँ पे क्या दिखाएगा। तो यहाँ पे दोबारा हम दूसरा आधार नंबर एंटर कर लेते हैं और कैप्चा कोड। दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा एंटर करने के बाद दोबारा आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, और प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आधार नंबर आपके यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे एज बॉन्ड 10 से 20 के बीच में है, जेंडर आपका यहाँ पे दिखा रहा है और स्टेट भी दिखा रहा है, और मोबाइल नंबर की जगह पर देखिए आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, यानी कि ये जो आधार नंबर है दोस्तों ये आपके ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वो आपके आधार से लिंक नहीं है अभी, मतलब इस आधार से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है।
तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अपने मोबाइल को आधार से लिंक कराने के लिए, और यहाँ से आप इजीली अपना आधार नंबर लिंक करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।